ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान उवाच, संपूर्ण पवित्र बनने का सुख परम सुख है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति आनंद प्रेम संतोष सब पीछे पीछे चले आते हैं। पवित्रता की कमी मनुष्य को चिड़चिड़ा बनाती है, उसे दुखी करती है, उसके अंदर अशांति पैदा करती है। चाहे अशांति का कोई भी कारण हो, चाहे दुखों का कोई भी कारण हो, परंतु मूल में उनका कारण है अपवित्रता, अर्थात पवित्रता की शक्ति की कमी। हमारी पवित्रता तो संसार के लिए वरदान है, हमारी पवित्रता तो प्रकृति के लिए शक्ति है, खुराक है। हम जितने पवित्र बनते जाते हैं, ईश्वरीय कार्य में उतना ही सहयोग मिलता जाता है। हमें अपनी काम वासना को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना है। काम की अगर सूक्ष्म इच्छाएं भी रह गई हैं, उनको भी समाप्त कर देना है। एक संकल्प करें, अब ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैंने इसको त्याग दिया है, मेरी तो नेचर ही संपूर्ण पवित्र है। ये न सोचे मुझे 5 साल पवित्र रहना, 10 साल रहना है विनाश हो जाएगा, किसी भी तरह रह लें, बाबा की आज्ञा है रह लें, नहीं। ये हमारी नेचुरल स्थिति है, हम हैं ही पवित्र। सोचो हम परमधाम में कैसे थे, जब देवयुग में आए तो हमारी प्योरिटी कैसी थी। पवित्रता ही तो सबसे बड़ी चीज है, जिसे संसार ने भुला दिया है, मनोवैज्ञानिकों ने जिसके लिए बहुत गलत काम कर दिया, कह दिया काम वासना बड़ी नेचुरल है और मनुष्य को अंधकार में डुबो दिया, वासनाओं के गर्त में डुबो दिया। तो ये मनोवैज्ञानिक मनुष्य के विनाश का, उसको पतन की ओर ले जाने का बहुत बड़ा कारण बन गए। अब बाबा ने स्वयं आकर स्पष्ट कर दिया, नो, पवित्रता तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हें इसका सुख लेना है तो संकल्प कर दे, अब पवित्रता ही मेरा जीवन है। कोई भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ इच्छाएं पूर्ण होती हैं, पास्ट के संस्कार इमर्ज होते हैं, या संसार के वातावरण को देखकर उसके प्रभाव में आकर कुछ निगेटिविटी आती है, स्वप्नों में कुछ गंदगी आती है, इन सब को तेजी से समाप्त करते चलेंगे योग बल के द्वारा, स्वमान के द्वारा, सुंदर चिंतन के द्वारा। तीनों चीजें अपनाएंगे, योग बल से हमारी शक्तियां सूक्ष्म रूप ले लेती हैं, चिंतन से हमारी शारीरिक शक्तियां यूज हो जाती हैं, और जो ये शक्तियां भोजन से बन रही हैं निरंतर, उसको यदि हम यूज करते रहेंगे तो हमारी प्योरिटी उतनी ही सरल होती जाएगी। इसके लिए अपने खान पान पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। खान पान अगर भारी होगा, पेट को भारी करेगा, कब्जियत लाएगा, गैसेज पैदा करेगा, तो भी प्योरिटी में अंतर पड़ जाएगा। और अगर बहुत लाल मिर्ची खाएंगे, बहुत ज्यादा चाय पिएंगे, बहुत ज्यादा तला भुना भोजन खाएंगे, उससे भी हमारी इम्प्योरिटी बढ़नी संभव है। इसलिए लहसुन प्याज को भी बाबा ने मना कर दिया है, क्योंकि ये भी वासनाओं में उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थ हैं। तो हम अपने अंदर प्योरिटी का बल बढ़ाते चलें, और हमें महसूस होगा जितनी प्योरिटी बढ़ेगी उतना ही योग सरल होगा। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी फीलिंग में रहेंगे, मैं तो पवित्रता का देवता हूँ, देवी हूँ, मैंने यहाँ अवतार लिया है चारों ओर पवित्रता सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। और बस ड्रिल करेंगे बाबा के पास जाने की, परम धाम में कुछ देर वहां बैठेंगे और वापिस आएंगे, देह में वापिस भ्रकुटी सिंहासन पर, फिर चलेंगे परम धाम में।
बाबा के पास बैठेंगे, निराकार के पास, सर्वशक्तिवान के पास, और फिर आएंगे वापिस अपनी देह में। ये ड्रिल सवेरे तो कम से कम 10 बार अवश्य कर लें, और हर घंटे में 2 बार करें एक एक मिनट के लिए, तो सारा दिन योग युक्त स्थिति में भी जाएगा। ओम शांति।